जरा सोच कर देखिए, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी कम से कम उपजाऊ होती जा रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय राजधानी में रेतीले तूफान की हालत बनी हुई है और अब इस इलाके के जल्द ही रेगिस्तान बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय है। मिट्टी ही वो जगह है जो अनगिनत जीवों का घर है। उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है, हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है। जब मिट्टी अच्छी नहीं रह जाएगी, यानी कई मायनों में आपने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। पर असल मुद्दा मिट्टी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों के लिए ही खेती की मिट्टी बची है, यानी हमारी खेती करने के लायक जमीन 45 से 60 सालों तक ही बचेगी। वो इसे मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। आपने डायनासोर या डोडो के विनाश के बारे में सुना होगा, पर अब हम मिट्टी के विनाश की बातें कर रहे हैं। असली समस्या मिट्टी का गायब होना है, क्योंकि पिछले 30 सालों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो गए हैं। 80%, ये आत्महत्या है। तो 45 या 50 साल के बाद धरती पर भोजन का गंभीर संकट होगा, ये होना ही है। जब भोजन का संकट आएगा तो जिसके पास सबसे बड़ी बंदूकें होंगी वो आकर भोजन ले जाएगा, और दुनिया भर में लोगों के लिए हम जो दुख और दर्द पैदा करेंगे उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गरीब मरेंगे, वो अमीरों को मारेंगे और अमीर मरेंगे। तो मैं चिंता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। दुनिया के मुख्य वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो हम इसका क्या करने वाले हैं? मिट्टी क्यों जा रही है, कहां जा रही है? देखिए, अगर आप रेत में कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री मिला दें तो मिट्टी बन जाती है, और मिट्टी से अगर कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री निकाल लें तो ये रेत बन जाती है। अगर आप वर्षा वन में जाएं तो मिट्टी में जैविक सामग्री का स्तर 70% से ज्यादा होगा। आमतौर पर खेती की मिट्टी में जैविक सामग्री कम से कम 3 से 6% होनी चाहिए, तभी हम उसे मिट्टी कह सकते हैं। कम से कम 3%। पर आज उदाहरण के लिए भारत की 62% मिट्टी में जैविक सामग्री 0.5 या उससे भी कम है, तो वाकई हम रेगिस्तान बनने की कगार पर हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ एक देश में नहीं। जिस तरह से खरपतवार नाशी कीटनाशकों या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, हमें यह समझना होगा कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का लगभग 82 से 86% मिट्टी के ऊपरी 12 इंचों में होता है। इसका मतलब है हम जैव विविधता को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। जैव विविधता यानी मिट्टी में मौजूद ह्यूमस। ह्यूमन शब्द ही ह्यूमस शब्द से बना है, यानी ये मिट्टी वाकई जीवित है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि मिट्टी पर ध्यान दिया जाए। ये मिट्टी ही है जो सारे जीवों का आधार भी है। धरती के चारों ओर औसतन 36 से 39 इंच ऊपर की मिट्टी धरती के 87% जीवों का आधार है। हमें चाहिए कि हम इसे फिर से पहले जैसा बनाने के लिए जागरूकता लाएं। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब लोग ये कहेंगे कि यही वो चाहते हैं। तो आइए एक जागरूक धरती बनाएं, आइए इसे कर दिखाएं। आए हर तो संजीवनी, आए हर।